आदर आभार अभिनंदन नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन 2018 CRP क्लर्क 8 रिक्रूटमेंट 2018 के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल लेकर आया हूं। ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन है, ये 18 सितंबर 2018 से स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी जो टोटल वैकेंसी है ये है 7275, जनरल के लिए 3852 पोस्ट हैं, देन OBC के लिए 1673 पोस्ट आर देयर, एंड देन SC के लिए 1183 पोस्ट आर देयर, ST के लिए 577 सीट्स आर देयर। लास्ट डेट एप्लीकेशन के जो अंतिम तिथि है वो है 10 अक्टूबर 2018। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं आप, जनरल एंड OBC के लिए 600 रुपये है, एंड SC ST एंड PH के लिए 100 रुपीज़ ओनली। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। तो अभी इंतज़ार कीजिए, 18 सितंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन मैं पहले आपको कंप्लीट डिटेल बता दे रहा हूँ किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम का सिलेबस होगा, कितने स्टेप में ये कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ये क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ऑलराइट, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन से, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, सिर्फ स्नातक होने चाहिए, और आपकी जो उम्र सीमा है वो 20 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये एज लिमिट किस डेट से काउंट करनी है, काउंट करने हैं आपको 1 सितंबर 2018 से काउंट होगी, मतलब 1 सितंबर को आपकी एज 20 साल से कम नहीं और 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और वैसे SC ST के लिए एज में रिलैक्सेशन भी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक खास बात बता देता हूँ कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन, चाहे वो नौकरी की कोई भी जानकारी हो या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की हो, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैं ज़रूर ही सब सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ, पूरा सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एंड देन हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू क्रैक इट, ऑल द इन्फॉर्मेशन यू गेट थ्रू माई वीडियोज़। ओके, सो आप ज़रूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। ऑलराइट, सो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अब चलता हूँ आगे नोटिफिकेशन पार्ट पे, आप देखते रहिए। हाँ, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन CRP क्लर्क्स 8 फॉर वैकेंसी 2019-2020 के लिए जो कंप्लीट प्रोसीजर है ये मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो पार्टिसिपेटिंग टेंटेटिवली शेड्यूल जो है ये दिसंबर जनवरी में होने वाला है, इसका मतलब ये दिसंबर जनवरी में इसका एग्जामिनेशन होगा। ऑलराइट, ये लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली एक्सपायर ऑन, सो आप ध्यान से सुनते रहिए, देख लीजिए। पहले सबसे पहले तो बैंक देख सकते हैं हम, अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, इतने सारे बैंक्स के लिए जो है ये वैकेंसीज है। इनफैक्ट 7000 समथिंग की क्लर्क्स की टोटल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो आप इसके अलावा आप देख सकते हैं द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं कि ये कब से कब तक, ये तो पहले सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तिथि है, एंड देन पेमेंट की ये तिथि है। कंडक्ट फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग इज 26/11, मतलब कि 26 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक होने वाला है। एंड डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी आप नवंबर 2018 से करना शुरू कर देंगे। देन रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन इज दिसंबर जनवरी में इसका रिजल्ट आ गया है। इसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, वो जनवरी में 2018 तक होगा। ऑनलाइन मेंस आपका जो है आप देख सकते हैं 20 जनवरी 2019 तक ये होने की संभावना है, या हो भी जाएगा, मतलब ये टेंटेटिव भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे ही होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2019 से किया जाएगा ये। ऑलराइट, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in। तो इस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए, वहाँ पे IBPS क्लर्क्स वाले कॉलम पे क्लिक कीजिए, एंड देन यू कैन फिल इट इन डिटेल, और बहुत आराम से भरिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा भरते समय, कोई भी एक भी आधार कार्ड नंबर या अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, स्पेशली आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के और एक एक चीज़ देख के लिखिएगा, ताकि आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो पाए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी की होती है। सब कुछ करने के बाद अगर फाइनली कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी कोई दिक्कतें आती है तो वहाँ पर आपका दिक्कत होगा ज्वाइनिंग में। द नेशनल सिटीजनशिप आप देख सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान,
Tibetan refugee who came over India before 1st January 1962 is also eligible for that. All right. A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, formerly Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam are the intention of permanently settling in India. All right. आप देख सकते हैं age limit आपको मैंने बता दिया 20 से 28 साल और relaxation भी है देख लीजिए SC ST के लिए आपका 5 साल है OBC के लिए 3 साल है and personal with disabilities have got 10 years relaxation in their age. All right. Then educational qualification की मैं बात करता हूँ कि आप किसी भी discipline में बस graduate होना चाहिए और एक खास बात ये है कि आपका minimum 60% marks जरूरी है हर हालत में 59.99 भी है तो आप इसके लिए eligible नहीं हैं आपका candidature cancel कर दिया जाएगा आपको exam में बैठने के बावजूद भी आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी pass हो जाएंगे तब भी इसलिए 60% marks जरूरी है all right देख लीजिए the fraction of the percentage so arrived will be ignored if 59.99 will be treated as less than 60% and 54.99 will be treated as less than 55% तो SCST के लिए 55% है जनरल ओबीसी के लिए 59.9% है मतलब 60% है इनफैक्ट और 55% SCST के लिए तो आपका जरूरी है ये लाना और इतना लाना अति आवश्यक है तो आप देख के बैठिएगा बिल्कुल एक सर्विसमैन के लिए उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व है इनफैक्ट देन डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन कैटेगरी किल्ड इन एक्शन मतलब जिनके पिताजी फौज में थे आर्मी एयरफोर्स नेवी में और जिन्होंने लड़ाई के दौरान मतलब अपनी जान खो दी जान गंवा दी तो उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन है इनफैक्ट दे कैन सिट एंड दे कैन गेट द सिलेक्शन इजीली इफ दे आर प्रिपेयर्ड एंड इंटरेस्टेड टू देन प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आप देख सकते हैं क्या है इंग्लिश लैंग्वेज जिसके अंतर्गत पैसेज रहेंगे और सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे और कुछ ग्रामर के पोर्शन होंगे तो उसके लिए आपके 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के और आपको समय मिलेंगे 20 मिनट देख लीजिए ये सेपरेटली टाइम्ड अप सेल्फ हो गया है कि मतलब ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन में आप पूरे एक घंटे मिलेंगे नहीं आपका इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के तो आपको 20 मिनट समय मिलेंगे इसके बाद 20 मिनट जैसे ही ओवर होता है तो देन इट विल बी टर्न टू न्यूमेरिकल एबिलिटी इन विच 35 क्वेश्चन वुड बी गिवन 35 क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको 35 मार्क्स मिलेंगे और 20 मिनट उसके लिए भी समय मिलेगा और रीजनिंग एबिलिटी फिर उसके बाद आता है उसके लिए भी 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट मिलेंगे आपको ऑल राइट तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना है 100% बिल्कुल सोच समझ के करना है आप अच्छे से कीजिएगा टारगेट फॉर मोर देन 65% आपका सिलेक्शन निश्चित होगा 100% होगा इसके बाद वंस यू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल राइट प्री क्वालिफाई करने के बाद अगर आप कट ऑफ को क्रॉस करते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा और मेंस का सिलेबस देख लीजिए आप जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के आपको समय दिया जाएगा 35 मिनट और इसके लिए भी टाइम आउट जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के और उसके लिए भी 35 मिनट समय दिए जाएंगे देन रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेंगे और 45 मिनट समय दिया जाएगा आपको इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके मतलब जिसके अंतर्गत मैथमेटिक्स आती है जनरल मैथमेटिक्स आती है इनफैक्ट कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और कैलकुलेशंस पे ही आपको स्पीड को ज़्यादा कायम रखने की ज़रूरत है तो 50 मार्क्स के वो होंगे 50 क्वेश्चंस होंगे उसके लिए दिए जाएंगे आपको 45 मिनट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं 190 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स इज 200 टोटल टाइम इज 160 मिनट्स तो टाइमिंग इज द मेन फैक्टर ओवर हेयर क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ है एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन नौकरी अच्छी है IBPS क्लर्क के थ्रू आप जितने भी बैंक्स मैंने बताए थे सबसे शुरुआत में ही वो सारे बैंक्स कवर होंगे अच्छे बैंक्स है अच्छी नौकरी है इनफैक्ट और प्रमोशंस जल्दी ही इसमें मिलते रहते हैं अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जल्दी ही आप PO और फिर बाद में मैनेजर के पद पे भी गौरवान्वित होंगे इसके बाद पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स इज 0.25 मतलब 1/4 आपका पेनल्टी है ये क्या बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग के तौर पे 0.25 1/4 मतलब एक गलती करेंगे तो 0.25 मार्क्स आप लूज़ करेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर होगा ये नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ एक बार आप सोच समझ के जो भी आप दे देंगे एग्जामिनेशन सेंटर वही दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग विच चेंज नहीं होगा आपके चाहने पर ऑल राइट स्कोर्स आप देख सकते हैं द करेक्ट स्कोर्स ऑब्टेन बाय द ईच कैंडिडेट इन द डिफरेंट सेशन विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड देन कट ऑफ स्कोर देख सकते हैं कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मिनिमम स्कोर इन द टेस्ट ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ऑल्सो मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर्ड फर्दर प्रोसेस ऑलराइट
ईच टेस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ होगा और फिर फाइनल कट ऑफ भी होगा. कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर द प्रोविजनल अलॉटमेंट प्रायर टू द कॉम्पिटिशन इन द प्रोविजनल अलॉटमेंट प्रोसेस स्कोर्स ऑब्टेंड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी शेयर बाय द कैंडिडेट्स. प्रोविजनल अलॉटमेंट आप देख सकते हैं ये 19-20 एंड देयर आफ्टर इट कम्स टू लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. ये देख लीजिए वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट. आधार कार्ड बहुत जरूरी है, सी आर पी क्लर्क्स एंड देन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आप देख सकते हैं, देन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑल राइट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो और या आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारे ही आते हैं. कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू आर अप्लाइड फॉर, देन मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन देयर आफ्टर ऑल राइट. ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं. ओके अगर डिसेबल है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास और उस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है तो ज़रूर ही, एक सर्विसमैन है तो आपका पूरा सारा का सारा प्रोसेस और कागजात होने चाहिए आपके पास. देन कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट क्वासी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर नेटवर्क PSUs, तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना ज़रूरी है. ऑल राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द IBPS क्लर्क वैकेंसी 2018 एंड विल बी ज्वाइनिंग इन द ईयर 2019. बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी खासी वैकेंसी, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो जाए. सो लास्ट आई वांट टू से थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर. एक बार फिर से मैं कहता हूं कि अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि क्यों आपने हमारे वीडियो को डिसलाइक किया, ताकि मैं अपना सुधार कर सकूँ. ऑलराइट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लास्ट रिक्वेस्ट फिर से कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद. थैंक यू.